हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पियालिस किचन। तो चलिए आज हम बनाएंगे फूलगोभी से एक फ्राई जो बहुत ही टेस्टी होती है। बहुत सिंपल इंग्रेडिएंट से बनी है और मैंने बहुत ज़्यादा मसाला यूज़ नहीं किया है इसमें। आप बोल सकते हैं मसाला मैंने यूज़ किया ही नहीं है। तो चलिए देखते हैं कैसे बनाना है। तो एकदम विंटर शुरू होते ही जो शुरू में गोभी मिलती है बाज़ार में, तो मैंने वो गोभी ली है तो एकदम फ्रेश है। मैंने डंठल भी नहीं फेंके हैं ना ही पत्ते, तो छोटे छोटे काट लिए हैं इस तरह से। और मैंने पैन गरम करने के लिए रखा हुआ है। तो हम इसके लिए हम सरसों का तेल यूज़ करेंगे। तो 3 टीस्पून मैंने डाल दिया। तो तेल थोड़ा गर्म होते ही मैं इसमें डालूँगी ये लाल वाली मिर्ची सूखी, और उसके साथ मैं डालूंगी इसमें कलौंजी। तो कलौंजी थोड़ा ज़्यादा डालेंगे, उसके साथ मैं जीरा डालूंगी जो थोड़ा सा कम डालूंगी। देखिए, तो इसको थोड़ा सा हल्का धीमे आंच पे फ्राई करेंगे ताकि इसमें से अच्छी खुशबू आने लगे। तो इसमें बहुत ज़्यादा मसाला कुछ भी मैंने यूज़ नहीं किया है, लेकिन बहुत ही बढ़िया बनती है ये। मैंने छोटे कटे हुए आलू डाले हैं तो इसको थोड़ा फ्राई करेंगे, और सॉल्ट डाल दिया, लाल मिर्च, और मैं हल्दी डालूंगी। इसको थोड़ा सा भी फ्राई करेंगे। तो ये रोटी पराठा पूरी के साथ बहुत ही अच्छी लगती है, ट्राई करें। ये देखिए, इस तरह से जब फ्राई होने लगे तो हम इसमें डालेंगे ये गोभी। तो इसको भी अच्छे से फ्राई करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि ये गोभी का जो डंठल का कलर है ये काफ़ी ग्रीनिश है, क्योंकि मैंने एकदम फ्रेश वाली ली है जो बाज़ार में विंटर के शुरुआत में ही मिलने लगती है। बहुत ही अच्छी टेस्ट आती है इसकी। ये देखिए, हमारा फ्राई हो रहा है। इस टाइम पे हम थोड़ी देर के लिए 4-5 मिनट के लिए ढक्कन लगा देंगे ताकि थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए। चलिए खोल के अभी देखेंगे। ये देखिए, काफ़ी सॉफ्ट हो गया है। तो हमें इसी तरह से चाहिए, बहुत इसको गलाना नहीं है। बहुत अगर गोभी गल जाती है तो उससे टेस्ट उसका ख़राब हो जाता है। तो इसी तरह से हमें चाहिए ये फ्राई। तो हम अभी डालेंगे ये टमाटो चॉप्ड और हरी मिर्च। तो मैंने लाल मिर्च डाला था इसीलिए मैंने लास्ट में हरी मिर्च डाला है। तो अगर मेरी रेसिपीज़ आपको अच्छी लग रही है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और लाइक शेयर कॉमेंट कीजिए। और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। देखिए तैयार है बिल्कुल। तो अगली रेसिपी के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।